मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर वन में भाषा विकास के बारे में बात करेंगे। भाषा विकास क्या होता है, क्यों महत्वपूर्ण है, कौन कौन से स्टेजेस भाषा विकास की होती हैं, कौन से फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं, इसी यही सारा का सारा हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट है। अब भाषा विकास कि जब हम बात कर रहे हैं तो भाषा क्या है, भाषा क्या है, किस तरह से हम जब इसकी बात करते हैं तो देखिए, भाषा क्या होता है, आप अपनी भाषा के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति तक हमारी बात को, हमारे भाव को पहुंचाने का काम करते हैं। यानी भाषा क्या है, संप्रेषण का एक, यानी संप्रेषण इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का एक लोकप्रिय माध्यम है, और जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में साझा करते हैं, शेयर करते हैं। इसके साथ साथ जब हम भाषा विकास को के जो शेयर कर रहे हैं उसमें हमारी हमारे आईक्यू क्या है, हमारे इमोशंस क्या हैं, ये सब भी उसके अंदर हम पुट कर देते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, एक स्किल होता है, भाषा एक जो है कौशल होता है। आपने देखा होगा, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, हर व्यक्ति का जो बोलने का तरीका है, भाषा का जो तरीका होता है, अपनी बात को अभिव्यक्त करने का तरीका होता है, वो अलग अलग तरह का होता है। कोई बहुत सिंपल मैनर में कोई बात बोलता है, कोई बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलता है, और कई बार हमें लगता है कि मैं तो इस बात को बोल ही नहीं पाया, मुझे समझ में नहीं आया उसके लिए किस तरह के शब्द प्रयोग करूं। तो यानी हमारा भाषा विकास जो है उसके ऊपर जो दूसरे फैक्टर्स, ये सब चीज़ें किससे निर्धारित हो रही हैं कि भाषा पे हमारे जो दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं या जो भी फैक्टर्स हैं, वो अभी हम बाद में बात करेंगे डिटेल में, उनका कितना इन्फ्लुएंस है और हमारी लर्निंग कैसी हुई है उसके ऊपर प्रभावित, उससे जो है वो इफेक्टेड रहता है। अब जब हम भाषा में क्या हो रहा है, बालक कुछ क्या है, बोलने की योग्यता और ध्वनियों का संयोजन, दो चीज़ें हैं, बोलने की योग्यता और ध्वनियों का जो जो साउंड है उसका जो है कोऑर्डिनेशन या कॉम्बिनेशन जो है, इसमें हम दो चीज़ें, एक तो मोटर एस्पेक्ट और दूसरा होता है मेंटल एस्पेक्ट को इंक्लूड करते हैं। यानी शब्दों का अर्थ भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो शब्द हम बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं। तो जब हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है कि मांसपेशियों का, जैसे हमारा इसमें क्या क्या ऑर्गन जो है वो यूज़ हो रहा है, जैसे हमारा वोकल कॉर्ड है, जीभ है, गला है, लंग्स है, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी भाषा विकास को प्रभावित करता है। यानी इनका भी एक कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, इनकी भी परिपक्व होना ज़रूरी है, और तभी जो है सामान्य रूप से भाषा विकास हो पाता है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, ये जैसे हम अपने सोशल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, एकेडमिक अचीवमेंट के लिए, फिर सेल्फ इवोल्यूशन करने के लिए भी हमें भाषा चाहिए होती है। कई बार हम भाषा के द्वारा कुछ सिंबॉलिक शब्दों का प्रयोग में लेते हैं, रीजनिंग हमारी बढ़ती है, और सोशल इवोल्यूशन में भी महत्वपूर्ण होता है। इस तरह से भाषा जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी जो है ह्यूमन बीइंग के कम्युनिकेशन का, एक बहुत बड़ा मीन होता है, और उसके द्वारा हम हमारे आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब हमारा जो है मेन जो है कि भाषा विकास के स्टेजेस क्या होती हैं। जैसे भाषा विकास, जब आप जैसे बच्चे को, आप न्यू बॉर्न बेबी को देखते हैं, तो वो सिर्फ क्या कर रहा है, अपनी नीड या डिमांड या अपनी प्रॉब्लम पेन को किसके माध्यम से एक्सप्रेस कर रहा है, रोने के द्वारा। तो इसका मतलब वो भी क्या है, एक भाषा है, और उसको हम यानी हम में इसकी जो मदर है या उसकी जो केयर टेकर है वो आराम से आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्या होता है कि यानी भाषा जो है अलग अलग स्टेजेस से होकर निकलती है और फिर वो एक परिपक्वता को प्राप्त करती है। यानी तो और शुरू में जो कुछ अवस्थाएं जो होती हैं, ये अर्ली जो पीरियड होता है उसको प्री स्टेज या प्री स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और
इनकी अपनी जो होते हैं अलग अलग तरह की होती हैं। प्री स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी ये क्या है, बोलने की तैयारी के पूर्व की अवस्थाएं होती हैं, यानी उसके पास शब्दों का अभाव होता है, यानी शुरू में शब्दों को बोलने की जो कैपेसिटी वो कम होती है, परंतु उसमें कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं और जिनसे वो अपनी नीड्स को, अपनी डिमांड को एक्सप्रेस करता है। इसके साथ में एक प्री वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, यानी प्री वर्बल कम्युनिकेशन भी इसको हम कहते हैं। प्री वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसमें इन्फेंट जो होता है वो जो भी उसके चारों तरफ व्यक्ति होते हैं, मदर हो सकती है, ग्रैंड मदर हो सकती हैं, ग्रैंडफादर, यानी जो भी फैमिली पर्सन हैं जो उसकी केयर करें वो, और केयर गिवर। केयर गिवर्स मीन्स कई बार होता है कि हम जो है कोई भी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को, जो केयर गिवर में फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं और आउटसाइड फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, उनके साथ में इंटरेक्ट करने के लिए जो जो अभिव्यक्ति का जो माध्यम यूज़ करता है उसको हम प्री वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसमें शब्द नहीं होते, बल्कि जैसे कोई आँख का मूवमेंट हो गया, हाथ पांव के मूवमेंट्स हो गए, उसका कोई हाव भाव हो गया, या मुंह से कुछ इस तरह के जैसे आवाज़ जो होती है, उसकी साउंड जो होती है मुंह से रोते समय जो निकलती है, वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। यानी प्री वर्बल कम्युनिकेशन यानी वो है जिसमें शब्दों का बिना इस्तेमाल किए हुए जो व्यक्ति अपने भाव या अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। इसमें फेशियल एक्सप्रेशन भी होते हैं, इमिटेशन भी होता है, एक व्यक्ति को देख के वो जो है दूसरा यानी बड़े व्यक्ति को या किसी दूसरे छोटे बच्चे को देख कर बच्चा भी वो वाला जो गेस्चर दे रहा है, तो इमिटेशन भी, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब है स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन या लैंग्वेज डेवलपमेंट में। इसमें फर्स्ट जो है प्री स्टेजेस या प्री स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें हम चार जो है चीज़ें लेते हैं, क्राइंग यानी क्रंदन या रोना, दूसरा होता है कूइंग और या बैबलिंग या कूइंग और बबलाना, थर्ड है हाव भाव यानी गेस्चर्स, और फोर्थ है भावनात्मक अभिव्यक्ति। अब जो फर्स्ट हम जिस पे चल रहे हैं, जो रोना या क्राइंग जो होता है, रोना जो होता है जन के जैसे बच्चा जन्म लेता है और उसके तुरंत बाद से जो है वो रोना प्रारंभ हो जाता है, और शुरू में जिस 2 वीक तक वो बहुत ज़्यादा देर तक रोता है, और ये जो होता है फर्स्ट रिफ्लेक्स होता है, यानी उसका एक नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, जिसमें बॉडीली जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं, लेकिन इसमें कोई इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटीज़ होते हैं वो उसमें डेवलप नहीं होती हैं। शुरू में बच्चा सोते सोते रोने लग जाता है और थर्ड एंड फोर्थ मंथ में थोड़ा कम रोना प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा जैसे इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे, ये अर्ली ईयर्स में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है। दूसरा इसमें क्राइंग को बताया, द एक्ट ऑफ क्राइंग हैज़ बीन डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स सेंसरी मोटर फिनोमिना कैरेक्टराइज बाय शेडिंग ऑफ टीयर्स फ्रॉम द लैक्रिमल एपरेटस। यानी इसमें शुरू में बच्चा एक ये सेंसरी मोटर फिनोमिना होता है और जिसमें आँख से आंसू निकलते हैं। फर्स्ट 2 वीक में किसी अनजान कारण से भी बच्चा रोता है। ज़्यादातर जो रोने का थर्ड नेक्स्ट जो मैंने कॉज लिखा है, हंगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, यानी सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कारण होता है रोने का वो भूख होता है, यानी भूख की स्थिति में बच्चा सबसे ज़्यादा रोता है। इसके अलावा भी 2 मंथ के जो बच्चा हो जाता है उसके उस समय जो है उसके बहुत सारे कॉजेज़ हो जाते हैं, जैसे तेज रोशनी के कारण से थकान, पेट दर्द, सोते समय किसी तरह का उसको डिस्टर्बेंस हो गया है उसके कारण से भी जो है रोता है। और कई बार बच्चे डिस्कम्फर्ट की जो स्थिति में है या उसकी जैसे उसकी नीड फुलफ़िल नहीं हुई है तब भी वो रोने लगता है। और ये जो होता है
इसका इफ़ेक्ट जो है रोने का उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे फर्स्ट मंथ में बच्चा जब रो रहा है या 3 मंथ्स तक बच्चा जब रो रहा है तो वो अपना जो है दूसरा जो उसका केयर गिवर है या केयर टेकर है या मदर है उसका अटेंशन जो है डाइवर्ट करने के लिए भी वो कई बार रोने लगता है। रोने का असर उसके डाइजेस्टिव पर पड़ता है। जैसे लंबे समय तक बच्चा ज़्यादा रोता है तो उसके डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता, और यदि बेबीहुड का जब एंड है उस समय तक जो है रोता ज़्यादा है और उस समय तक दूसरी एक्टिविटीज़ की अपेक्षा बच्चे का रोने का काम जो है रोने की एक्टिविटीज़ वो ज़्यादा करता है। दूसरा, जब बच्चा छोटा बच्चा होता है वो बार बार में रोता है और उसको जैसे उस पर अटेंशन उसका पेरेंट्स का या केयर गिवर का आ जाता है तो उसको ये बात समझ में आ जाती है और वो जो है किसी भी एक्टिविटी के लिए जो है वो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी करता है। नेक्स्ट है, इससे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। एबिलिटीज़ एंड मोटिवेशन कैन हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप एडिक्वेट वोकैबुलरी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ सो दैट क्राइंग एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कम टू एन एंड। और जो है इससे धीरे धीरे बच्चा सीख लर्निंग भी होती है, उसके अलावा वो उसके एक मोटिवेशन का भी काम करते हैं। जैसे बच्चे ने बेड गीला किया, बिस्तर गीला कर दिया या उसने उसको जो है उसको अपना नैपी गीला किया और उस समय उसको डिस्कम्फर्ट हुआ और डिस्कम्फर्ट के दौरान हमने उसको लुक आफ्टर किया और उसका नैपी चेंज किया, उसका बिस्तर साफ़ किया, तो उसको धीरे धीरे वो एक एज अ मोटिवेशन लेने लगता है कि मैं जब यदि इस तरह से मैं रोऊंगा तो मेरा ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसको हम एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बैबलिंग या कुइंग। बैबलिंग या कुइंग जो होती है, बबलाना या कुइंग, ये शिशु के रोने के अतिरिक्त मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं और 4 to 5 मंथ में ये बिल्कुल जो है स्पष्ट होने लगती हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द वोकल मैकेनिज़्म और ए प्रिलिमिनरी कंट्रोल, यानी हमारे वोकल जो मैकेनिज़्म है यानी थ्रॉट के जो भी हैं स्वर यंत्र उनके कंट्रोल करने का एक ये जो है प्राइमरी कंट्रोल का सिस्टम होता है। ये जो होता है बच्चे की जो इच्छा होती है दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने का उसमें ये हेल्पफुल होता है। और थर्ड वन है, जैसे बच्चा बैबलिंग कर रहा है तो उसके मुंह से जो साउंड निकलता है और हम उसको रिस्पॉन्ड देते हैं तो उसको लगता है कि वो उस सोशल ग्रुप का एक पार्ट होता है। जैसे शुरू में जो होता है कोइंग जो होती है वो एक नॉर्मल सा फिनोमिना होता है और वो बिल्कुल इन अर्ली ईयर्स में कुछ अस्पष्ट जो साउंड निकलती है, लेकिन 4 to 5 मंथ में जो है कुछ क्लियर जो साउंड निकलने लगती हैं। और जैसे छींकते समय, खांसते समय, जमाई लेते समय, और ये सारी के सारी उनके वोकल मैकेनिज़्म पर आधारित होती हैं। इनका कोई भी मीनिंग बहुत ज़्यादा वो नहीं होती हैं, लेकिन बच्चा इन ध्वनियों से आनंद की अनुभूति करता है। और शुरू में बच्चा जो होता है वोवल्स पे और फिर उसके बाद में कॉन्सोनेंट्स को मिलकर दोहराता है और धीरे धीरे वो अभ्यास में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो ज़्यादा बच्चे बैबलिंग करते हैं उनकी जो भाषा विकास है वो ज़्यादा अच्छा होगा, जल्दी सीखेंगे, उनकी लर्निंग ज़्यादा होगी। बनिस्बत जो बच्चे लेट से बोलना सीखते हैं उनका भाषा विकास या बैबलिंग कम करते हैं उनका भाषा विकास भी देर से होता है, बहुत अच्छा भाषा विकास नहीं होता है। इसलिए बैबलिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे के विकास के लिए। अब बैबलिंग के बाद में नेक्स्ट हम जो है एक और जो चीज़ है उस पर हमारा फोकस रहेगा, थर्ड वन, कि बच्चे जो बैबलिंग के साथ साथ में किस तरह के जो है साउंड निकालता है। क्योंकि हमें थोड़ा सा आप लोग को ये पता होना चाहिए कि किस तरह के उनके मुंह से जैसे साउंड कूइंग और बैबलिंग के दौरान निकल रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको क्योंकि आप बिल्कुल लर्निंग स्टेज में हैं और आपको बिल्कुल मालूम नहीं है कि जो है किस तरह के साउंड निकलने चाहिए या निकल रहे हैं और उसका क्या मीनिंग होता है। क्योंकि शुरू में जो बच्चा बैबलिंग करता है तो हम उसको मीनिंग को अपने अकॉर्डिंगली उनका मीनिंग या अर्थ निकालते हैं
और बच्चे को जो है एक सहज रूप से उसकी एक्टिविटीज को ले लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा रहता है कि बच्चा जैसे शुरू में बैबलिंग में जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है और किस तरह की ध्वनि जैसे वॉवल्स में ए आ ई ऊ ए शुरू में ये जो है वो निकालता है और उसके बाद में व्यंजन का ख घ आदि शब्दों को बोलता है और बाद में स्वर और व्यंजन मिलाकर जैसे दा मा पा ना चा और थोड़ा और बड़ा होता है तो इनकी पुनरावृत्ति करता है, इनका दोहरान करता है और जैसे दो दो पा पा दा दा इस तरह के शब्द भी बोलने लगता है। और जब बच्चा इस तरह के शब्दों को यूज़ करता है तो हमें खुशी की भावना आती है कि बच्चा जो है और हम उसको इंजॉय करते हैं। कुछ रिसर्चेस में ये भी देखा गया है कि जो इमिटेशन और बैबलिंग नहीं करते हैं उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। बैबलिंग जो है बच्चों को एंजॉय देती है और इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसका वोकल कोड पे भी असर आता है। नेक्स्ट है गेस्चर्स। गेस्चर्स या हाव भाव भाषा विकास में ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर चीज़ होती है। हाव भाव बालक न केवल क्रंदन या बैबलिंग के माध्यम से ही भाषा विकास बल्कि हाव भाव या गेस्चर के माध्यम से भी अपनी भाषा को अभिव्यक्त करते हैं। गेस्चर का अभिप्राय होता है शारीरिक अंगों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और भाषा के सप्लीमेंट के फॉर्म में इसको यूज़ करता है और ये भी एक बहुत सरल तरीका है भावों को विचारों को अभिव्यक्त करने का। और कई बार इनके साथ में कुछ शब्दों को भी प्रयोग करता है और कई बार सिर्फ जो है हाव भाव में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो हाव भाव जैसे हाथ को फैला देंगे, दोनों हाथ फैला रहे हैं इसका मतलब मुझे गोद में ले लो, मुंह बनाकर मुस्कुरा कर है ना, या अपनी मदर का जो है कुर्ता या चुन्नी या साड़ी पकड़ के जो है, या कई बार उनको अच्छा नहीं लग रहा तो हाथ पांव को जैसे पटकते हैं, इस तरह के जो है अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे नाराज होकर या कोई जो है टॉय है कोई ऊंचा रखा हुआ है हाइट पे रखा हुआ है बच्चा वहाँ तक नहीं तो उस तरफ अपने मदर को, जैसे 2 ईयर्स का बच्चा हो गया तो वो मदर को वहाँ तक लेकर जाएगा, इशारा करता है। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं ये उनके अभिव्यक्ति का तरीका होता है। इसमें जैसे मैंने आपको दिया है गेस्चर्स आर द मूवमेंट ऑफ लिम्स और द बॉडी विच सर्व एज सब्स्टिट्यूट फॉर्म द सप्लीमेंट ऑफ स्पीच, यानी भाषा के जो है अतिरिक्त जो भाषा के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में काम आती है और अपने शब्दों को एम्फेसाइज करने का, जो भी यदि कोई शब्द भी बोल रहा है तो उसको ज़्यादा फोकस करने का माध्यम है ये। गेस्चर सर्व एज द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन, उद्देश्य निश्चित करता है और यदि बच्चा कुछ शब्दों को सीख भी जाता है तब भी गेस्चर्स काम में आते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल एक्सप्रेशन भावनात्मक अभिव्यक्ति। भावनात्मक अभिव्यक्ति क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन थ्रू फेशियल एंड बॉडी चेंजेस इज अनदर प्री स्पीच ऑफ कम्युनिकेशन, यानी भावनात्मक और चेहरे के जो हाव भाव है या बॉडी में शारीरिक जो परिवर्तन आते हैं ये भी एक तरह के प्री स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। इट इज़ अ यूजफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इवन आफ्टर चिल्ड्रन हैव लर्न टू स्पीक, और ये जो है बच्चा यदि बोलना सीख जाता है उसके बाद में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेबीज हैव नॉट येट लर्न टू कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ देयर इमोशन बिफोर देयर बिफोर दीज एक्सप्रेशन मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग, और बच्चे के जो गेस्चर्स होते हैं वो जो है यदि वो इनको कंट्रोल नहीं करते हैं और तो हम उसको देखकर हम समझ सकते हैं कि उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं। तो इस तरह से ये एक प्री स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाषा विकास की, ये फाउंडेशन के फॉर्म में काम आते हैं और इसका जो है उसके लॉन्ग टर्म पे असर इफेक्ट आता है। और मनोवैज्ञानिक
या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग में भी प्री स्विस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो होती है प्रक्रिया है, और ये अन्यायास या एकाएक नहीं होती है, बल्कि जो है प्री स्पीच फॉर्म्स ऑफ जो जो होती है वो एक स्टेज है, और इसी के बाद में स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ प्रारंभ होती है, और ये लर्निंग जो भाषा की जो लर्निंग होती है स्टेज बाय स्टेज ही होती है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम स्पीच यानी भाषा के मेन जो स्टेजेस हैं उच्चारण, आकलन, भंडार या जो है प्रोनाउंसिएशन, कॉम्प्रिहेंशन पावर, वोकैबुलरी एंड सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।